सर बासित कंपनी के मालिक हैं जहां मैं काम करती हूँ। किसने सोचा था कि बासित सलमान के दिल में भी रहम है? बता नहीं सकती दिन में कितनी कैफियत से गुजरती हूँ मैं। डर लगता है उस आदमी से। बहुत कुछ किया है तुमने अपनों के लिए, अब आगे सिर्फ अपना सोचो। जीने का मकसद छीन के तुम मुझे जीने का हौसला दे रहे? मैंने कहा कर चुका हूं। किससे? इससे। तो रुखसती कब होगी? उसके मां बाप को पता है ना? फिर गई थी आज वहां। कहां से लाई हो इतनी हिम्मत? मैं तो 3 हफ्ते में हार गई हूं। जनीन आ रही है। सजती फिरूं आहें भरूं बुनती रहूं ख्वाबों की मैं माला। तड़पता जिया जब देखे पिया दिल से मुझे आए सदा आयशा कहाँ है? सर वो तो अब तक नहीं आई। फोन करें, उन्हें कहिएगा मैंने बुलाया जल्दी। जी सर। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मानव शादी का घर लेंगी? जी। ये आपका पार्सल है और यहाँ साइन करें। जोया, जोया। जी साइन कर। थैंक यू। ये पढ़ क्या लिखा है? बानो के नाम है, क्या लिखा है? उसको ऑफिस से निकाल दिया है, 1 महीने से ऑफिस नहीं की, ये वजह लिखी है। सत्यानाश, मुझे तो पहले ही पता था कि ये लड़की ऑफिस जा ही नहीं रही। अरे अच्छी भली नौकरी से हाथ धो बैठी उस कमजोर तलाल की चक्कर में, और वो शादी करके निकल गया। सर मैंने बहुत दफा ट्राई किया मगर उनका नंबर नहीं लग रहा। आप ईशा से उनका अल्टरनेट नंबर फाइंड आउट करें। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आयशा किधर थी आप? मैंने ये जॉब छोड़ दी है, जल्दी आपको मेरा रेजिग्नेशन लेटर मिल जाएगा। आयशा मेरी बात सुने बगैर ऐसा नहीं कर सकती। मैं आपके ऑफिस में काम जरूर करती हूँ लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं आपकी हर बात बर्दाश्त करूँगी। आयशा आप वजह जाने बगैर ये जॉब नहीं छोड़ सकती। आप फिक्र मत करें, जब तक मेरा लोन पे ऑफ नहीं होता मैं यहाँ काम करूँगी।
और जहाँ तक वजह की बात है, मैं ऑफिस में एक एक शख्स को पकड़ के वजह नहीं समझा सकती। तो मेरी पूरी बात जाने बगैर कहीं नहीं जा सकती। बात जब किरदार पे आती है ना, तो बात वहीं खत्म हो जाती, फिर कोई गवाही कुछ मायने नहीं रखती। जवाद ने मुझ पे जो इल्जाम लगाया, आपने उसे एक झूठी तफसील दे दी। ऐसा आपने क्यों किया ये जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको क्या लगता है, मैं मजबूर हूं तो मेरी कोई इज्जत नहीं है? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। मैं मजबूर जरूर हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं अपने ऊपर लगाए हुए इल्जाम बर्दाश्त कर लूंगी। और जिस जगह लोग मुझे शक की नजरों से देखें, वहां मैं काम नहीं कर सकती। जी, ये आयशा का घर है। जी, आप कौन? मैं उनके ऑफिस से आया हूँ, मुझे उनकी मदद से बात करनी है। उनको दो मिनट बुला दे प्लीज। आपका नाम? कासिद सिफान, वो मेरे ऑफिस में काम करती है। आप वहाँ के मालिक हैं? आयशा तो ठीक है ना? जोया, आप आयशा के बॉस हैं? आयशा जिस कंपनी में काम करती है वो आपकी है? आप उनकी मदर हैं। जी। सोया, जाओ अच्छी सी चाय बना कर। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, थैंक यू। नहीं नहीं, आप बैठे बैठे प्लीज। जी, सब खैरियत है ना? आप इस तरह से अचानक? जी, दरअसल आयशा नौकरी छोड़ रही है। नहीं नहीं, आयशा ऐसा नहीं कर सकती। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। जी, गलती तो हुई है। अगर आयशा से कोई गलती हो गई है तो उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। आप उसे नौकरी से ना निकालिए। नहीं, आप परेशान ना हो, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, बहुत बहुत मुश्किल से हमारे घर के हालात संभले। अगर आयशा को नौकरी से आपने निकाल दिया तो? नहीं, उसे नौकरी से कोई नहीं निकाल रहा, आप परेशान मत हो, मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। एक्चुअली कल ऑफिस में आप मुझे ये बताएं, अगर मैं कहूँ कि मुझे आयशा से शादी करनी है तो आप क्या कहेंगे? इसीलिए आयशा को साथ नहीं लाए? उसको इस बारे में कुछ नहीं पता। इनफैक्ट वो ये भी नहीं जानती कि मैं इस वक्त आपके सामने बैठा हूँ। मैं आयशा से शादी करने का फैसला कर चुका हूँ, अगर आपको कोई एतराज नहीं हो तो। नहीं,
यह आपकी पसंद का मामला है, पर आयशा किसी और को पसंद करती है। ऐसे ही जल्दी में दरवाजा खोल दिया, पता नहीं क्या सोचता होगा। इतनी खूबसूरत लड़की और इतना बिगड़ा हुआ हुलिया। किसकी बात कर रहे हो तुम? वही जो बाहर आया हुआ है, इतना डैशिंग बंदा है, पैकेज है पूरा पैकेज। उसे देखकर तो मैं सांस लेना ही भूल गई। जोया, दूध चूल्हे पर रख कर तुम यहाँ आईने के सामने खड़ी हो, तुम्हारा रिश्ता लेकर आया वो। पप्पू, काश ये सच हो, वो मेरे लिए ही आया हो। तौबा है, दूध उबल जाएगा, किचन में जाकर ही ठंडी आए भरो। तो अब डाल दें, पत्ती बन जाएगी चाय खुद। हाँ, फंस गई मैं। मेरा मतलब है, आपकी जगह आयशा की पसंद अगर कोई और होता तो मुझे एतराज होता, लेकिन मैं आयशा की शादी नहीं कर सकती। क्यों? खुदा ने आपको इस कदर नवाजा है, आप जिस चीज पर हाथ रखें वो आपकी हो जाए, आपको किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन हमारा ये घर आयशा की नौकरी से चल रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसकी फिक्र मत करें, इस घर का खर्चा मेरी जिम्मेदारी है। इस घर से आयशा रुखसत होकर चली गई तो हम सड़क पर आ जाएंगे, ये घर भी हमारा अपना नहीं है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, घर का बंदोबस्त भी हो जाएगा। घर में रहने वालों के हजार खर्चे होते हैं। हाँ ठीक है, मैं आपकी माली मदद करने को भी तैयार हूँ। हमें माली मदद नहीं चाहिए, हम इज्जतदार लोग हैं, सफेद पोश हैं, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। और बातों का क्या है, बातें तो हर कोई कर लेता है। और अगर मैं कहूं कि ये घर कल ही आपके नाम हो जाएगा तो? मैं चाहता हूं आप आयशा से पूछ के मुझे बताएं, इस पे मेरा नाम है। हमारे यहाँ रिश्ते माएं तय करती हैं। नहीं, मैं चाहता हूँ पहले आप आयशा से बात करके मुझे बताएं कि उसकी क्या मर्जी है। चला क्या? नहीं नहीं, अभी तक तो उसे बैठे रहना चाहिए था कि कब जोया बीबी बनठन कर आए। तौबा है अम्मा। वैसे हद होती है लापरवाही की, एक काम तुमसे ढंग का नहीं होता। मैंने चाय बनाने के लिए कहा तो गायब। अरे पहली दफा आया था वो, क्या सोचता होगा कि मैंने अपनी बेटियों को कोई तरीका सलीका कोई ढंग सिखाया ही नहीं। बॉबी फूफा बना रही थी ना चाय। भाभी, क्या वो वाकई में आयशा के रिश्ते की बात करने आया था? जो मैंने सुना वो सच है? हाँ, लेकिन आयशा से इस बात का जिक्र कोई ना करे, मैं खुद बताऊंगी उसे तरीके से। उसकी तो 10 उंगलियां घी में, उसे क्या एतराज होना है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मेरी सुनी। मैं ना कहती थी मेरी बेटियों के लिए शहजादे ही आएंगे। हाँ, मुझे लगता है कुछ भूल गया वो, अभी आ रही हूँ। आ रही हूँ, आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किराया तो एडवांस में दे दिया था, फिर क्यों आ धमके? अंदर तो आने दो। ये रहा आपका अगले महीने का एडवांस। ये क्या? मैं मस्का जा रहा हूँ कारोबार करने के लिए, एक पार्टी अच्छी मिल गई है इसलिए मकान बेच रहा हूँ, आप अपना इंतजाम करें। अरे ऐसे कैसे बेच रहा हूँ मकान? अब रोज रोज मस्कत से किराया तो लेने आने से रहा, इसलिए वो पैसे भी अच्छे मिल रहे थे मकान के।
अच्छा तो ऐसा करो, ये मकान मुझे बेच दो। किराए का इंतजाम तो तुमसे होता नहीं है, और मकान खरीदो। इंतजाम हो चुका है अजीम भाई, बस एक हफ्ते का टाइम दे। मेरी पार्टी निकल जाएगी और तुम जितनी कीमत बोलोगे मैं दूंगी। चलो मैं 7 दिन रुक जाता हूँ। 7 दिन का मतलब 7 दिन, 8वें दिन में ये मकान बेच दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, ये लो अपना एडवांस वापस रखो। अच्छा चलो ठीक है, डन है फिर। ने देखा, अब तो आंखों आंखों में सारी बातें होने लगी हैं। बाज आ जाओ वरना ऑफिस से निकाले जाओगे, और वैसे भी जितनी बेइज्जती हुई है काफी नहीं है। सच बताओ हिना, इससे पहले कभी ऑफिस में इतनी रौनक देखी है? ये जॉब उसकी मजबूरी है और वो ये बात मुझे बता चुकी है। हाँ, और बासित साहब ठहरे कारोबारी आदमी, अच्छी तरह जानते हैं मजबूरी का फायदा कैसे उठाना है। तुम जानते हो ना बासित सर को, क्या वो ऐसे हैं? तुम मानो या ना मानो, कुछ तो है। तौबा है, अब पता चला मुझे, ये है कुत्सिया भाभी का असल चेहरा। खेल गई ना बेचारी बानो के साथ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि उसने वाकई आयशा का रिश्ता मांगा है। अरे भाई, मैंने अपने कानों से सुना है। वो भाभी से कह रहा था कि आप आयशा से उसका जवाब पूछ लीजिएगा और फिर मुझे बता दीजिएगा। तो अम्मा ने क्या कहा? तुम्हारी अम्मा ने क्या कहना, उसे सिर्फ पैसों से घर से, फिर चाहे वो बेटी ब्याह कराए या बिठा कर। उसे आयशा में दिख क्या गया? ना उसे कपड़ों का शौक है, ना उसे फैशन का कुछ पता है। बड़ी तेज है आयशा, वो बानो की तरह भोली बिल्कुल भी नहीं है कि मोहब्बत का रोग लगाए और बैठ जाए। अच्छा तरीका ढूंढा उसने गुर्बत से जान छुड़ाने का। अब शादी भी हो जाएगी और माँ बहन के खर्चों से आजादी भी मिल जाएगी। ये सुन जोया, मुझे ये बता, तेरा वो जो आमिर है उसकी कोई फैक्ट्री या कारखाने वगैरह है, या खामा खा उस निखट्टू के पीछे लगी हुई? आमिर कहता तो है उसके अब्बा का अच्छा खासा गाड़ियों का कारोबार है, खुद भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है। ये बात कोई ऐसा हो तभी कुत्सिया मानेगी, वरना बानों का हाल देख ली तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा। वेल डन बासित, मुझे पूरा यकीन था तुम इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हो। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई और दूसरा ऑप्शन दिया था आपने। खैर मुबारक हो, ऑफिशियली कब अनाउंस कर रहे हो ताकि बाकी फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर लें ट्रांसफर की? गिव मी अ वीक्स टाइम। मंजूर अंकल, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। सर डिजाइन सैंपल आ चुके हैं, आप ईमेल चेक कर लें। ठीक है, आप जाएं। भाभी आप एक हफ्ते में तैयारी कर लेंगी? तैयारी तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं, कर लूंगी, बस मुझे निकाह नामा देखे बगैर यकीन नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि
वो सच नहीं कह रहा। लड़की उसी ऑफिस में काम करती है? जी, मैं मिली हूँ लड़की से। बस मुझे ये भी फेयर है कि वो दोबारा से बैकआउट ना कर दे। नहीं भाभी, आपको पता है वो ऐसा नहीं करेगा। कुछ भी नहीं जानती मैं उसके बारे में, पर आई हैव दिस फीलिंग के कुछ छुपा रहा है। अब असल बात का पता तो आपको ही लगा है। जी ऑफ कोर्स, मुझे ही पता चला। अलैकुम मम्मी, खाने में क्या बना? क्या हो गया ऐसा, मैं क्यों देख रही हूँ? ये हुआ है। चलो अच्छा हो गया, बानो को वैसे भी रेस्ट की जरूरत है। क्या होता है, मुझे जॉब मिली भी है, कुछ नहीं होता। लेकिन तुम तो नौकरी छोड़ रही हो। क्यों, ये किसने कहा आपसे? फोन आया था तुम्हारे ऑफिस से। फोन नहीं आया था, खुद आया। बासित, तुम्हारा बॉस आया था। क्या मतलब, वो यहाँ आया था? हाँ आया जरूर था, पर मैंने भी साफ साफ कह दिया कि ऐसे नहीं करूंगी मैं अपनी बच्ची का रिश्ता। मुश्किल से हमारे हालात संभले हैं, तुम ही तो सहारा हो, ऐसे कैसे मैं किसी के कहने पर अपनी बेटी की शादी करवा दूं? आयशा, तुमने बताया नहीं उसे कि हमारी अम्मा तो अपनी बेटियों का रिश्ता कहीं देना ही नहीं चाहती? इसने तो नहीं बताया, लेकिन तुमने सारी दुनिया को बता दिया। उससे बात कहीं की कहीं जा रही है, असल बात बताओ ना आयशा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, बासित यहाँ आए थे क्यों? मैं बताती हूँ। तुम तो रहने ही दो। आयशा, वो आया था तुम्हारा बॉस और कह रहा था कि तुम नौकरी छोड़ रही हो। मैंने तो उसे साफ साफ कह दिया कि आयशा ऐसा कर ही नहीं सकती, आयशा नौकरी छोड़ने के बारे में सोच ही नहीं सकती। उसने आपको वजह बताई कि मैं नौकरी क्यों छोड़ रही हूँ? आयशा, तुम्हारी अम्मा को तो आदत है बात घुमा फिरा कर करने की। मैं तुम्हें बताती हूँ, वो तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए आया था। ये आदमी क्या चाहता है, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। कल अपनी माँ के सामने झूठ बोल रहा था कि मुझसे निकाह कर चुका है, और आज मेरे घर में आके शादी की बात कर रहा है, रिश्ते की बात कर रहा है। हकीकत यह है कि अपने झूठ को सच में बदलना चाह रहा है वो, बस। आयशा आयशा, हो सकता है कि तुम वाकई में उसे पसंद आ गई हो। और तुम्हें तो पता है ना कि हमारी अम्मा को हमारी पसंद का कितना ख्याल है। अम्मी, कसम से ऐसा कुछ नहीं है। तुम तलाल को बासित से मिला रही हो? कहां वो कंगला और कहां ये अमीर शहजादा। चलो मुबारक हो, अम्मा ने रिश्ता कबूल कर लिया है। ये भी तो हो सकता है ना कि तुम सच में उसे पसंद आ गई हो। जाए वो। अम्मी आपने क्या जवाब दिया? मैं क्या जवाब देती, वो तो जिस वक्त मेरे सामने बैठा ये सब बोल रहा था, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। अरे सारी जिंदगी इस मिस्कीन हाल में रख कर अल्लाह ने जो मेरा इम्तिहान लिया, मुझे तो लगा उसमें मैं कामयाब हो गई हूँ। ऐसे रिश्ते की हम लोग सिर्फ ख्वाहिश कर सकते हैं। मैंने तो हमेशा चाहा कि मेरी बेटियां अमीर कबीर खानदान में ब्याही जाएं और लाखों में खेलें। लेकिन देखिए अम्मी, कोई खेल नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि इस घर का गुजर बसर हो जाए, आप लाखों के ख्वाब देख रही हैं। और कुदसिया इस ख्वाब को सच करना चाह रही है। वैसे भी हम गरीब लोगों की कहाँ इतनी औकात जो ऐसे अमीर लोगों से रिश्तेदारी हो। क्यों कुदसिया, सही कह रही हूँ ना? क्या हो गया आपको, कोई भी आ जाएगा इस घर में आप उसकी बात सच मान लेंगी? क्या मतलब, वो तुम्हारी कंपनी का मालिक नहीं है? मेरी कंपनी का मालिक है, मालिक ही तो है, इसीलिए उसको लगता है वो जो चाहे मर्जी कर सकता है। पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ गया ये आदमी। अरे भाई सीधी सी बात है, तुझ पर दिल आ गया उसका। इन बड़े लोगों की निगाह एक बार किसी पर उठ जाए ना तो नवाजिशें ही होती हैं फिर। मुझे ऐसी नवाजिशें कबूल नहीं जिनमें रुसवाई हो। बेहतर है आप इस बात को यहीं खत्म कर दें खुदा के लिए। तो क्या तुम नौकरी छोड़ दोगी? नहीं, जब उसका कर्जा पूरा हो जाएगा तब छोड़ दूंगी। निकाह नहीं हुआ। क्या? लेकिन जब ऑफिस में बासित कह रहा था तो तब तुम क्यों खामोश थी? सजती फिरूं
ये कहाँ है जी? किसी की कॉल आई थी, शायद ऑफिस गई हैं। और हाँ, जफरी भी साथ था। हेलो, मिसेस सलमान ऑफिस आई थी क्या? नहीं सर, उनकी कॉल आई थी, वो मिस आयशा का एड्रेस मांग रही थी, वो मैंने उन्हें दे दिया। इसमें इतना अच्छा लड़का है, करोड़ों का मालिक है वो। अब किया ना इन्होंने अपने दिल की बात। हम दोनों बहस करना बंद कर सकते हैं? बानो, आयशा मेरी बेटी है, मैं इसका बुरा कभी चाह ही नहीं सकती। एक मर्तबा तुम्हारा ताल्लुक उस ऊंचे घराने से जुड़ गया ना, तो समझो तुम्हारी बहनों की भी किस्मत चमक उठेगी। ये आपको क्या लगता है, उस जैसा शख्स हम में से किसी एक से क्यों शादी करेगा? उसके आगे पीछे अच्छी लड़कियों की लाइन लगी हुई है, वो क्यों करेगा मुझसे शादी? जोया खोल देगी दरवाजा, तुम मेरी बात का जवाब। कौन जी? आप कौन? मैं बासित की मदर हूँ। अच्छा अच्छा, आइए आइए, मैं आयशा की पुप्पी हूँ। जोया, वैसे तो मुझे ज़रा जल्दी आना चाहिए था, लेकिन आप यकीन करें मुझे मालूम ही नहीं था कि एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये आपसे किसने कहा? बात कर रही है ना, चुप रहो। जी चलिए, अब तो जो होना था हो गया ना, अब मेरी ख्वाहिश है कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। हेलो आयशा, मैं बासित बात कर रहा हूँ। आप? मैं जानता हूँ मेरी मदर इस वक्त तुम्हारे घर पर है, लेकिन मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ 2 मिनट के लिए इस वक्त उनके पास से उठो और मेरी बात सुनो। जस्ट 2 मिनट्स, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। आप चाहते क्या है? इतना बड़ा तमाशा क्यों क्रिएट कर रहे हैं? मैं मानता हूँ ये सब कुछ मेरे झूठ बोलने की वजह से हुआ है, लेकिन मैं सब कुछ तो मैं समझा सकता हूँ। चाचा, मुझे कुछ नहीं समझना, आप अपनी अम्मी को फौरन सच बताएं, वरना अभी मैं बताने लगी हूँ। आशा प्लीज प्लीज, तुम उनके सामने कुछ नहीं कहोगी प्लीज। ये झूठ बोलने की एक वजह थी, I'm stuck। और मजबूरी क्या होती है तुम अच्छे तरीके से जानते हो। एक दफा तुम्हें मेरी जरूरत थी, मैंने तुम्हारी मदद की थी, आज मुझे तुम्हारी जरूरत है। So please help me out। कैसे भूल सकती हूँ मैं? मेरी माँ के सामने इस निकाह वाली बात से इनकार मत करना प्लीज। आप तो जानती हैं लड़के जरा जज्बाती होते हैं, बस लड़की को पसंद किया, निकाह कर लिया, फिर घर पर ले आए। मैं चाहती हूँ कि मैं आयशा को खुद यहाँ से लेकर जाऊँ। तो क्या सच में निकाह हो गया है वाकई? नहीं, निकाह नहीं हुआ। क्या? लेकिन जब ऑफिस में बासित कह रहा था तो तब तुम क्यों खामोश थी? निकाह वाली बात झूठ थी,
बासत, ये क्या कह रही है? लेकिन हम शादी करना चाह रहे हैं। श्योर? ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अब हम सब अपनी मर्जी से खुद प्लान करके करेंगे ना? आपका क्या ख्याल है बहन? फिर क्या डेट डिसाइड करें? अब जो आपको सही लगे, मुझे कोई एतराज नहीं। तो आओ आयशा, मैं आयशा को कंगन पहनाना चाहती हूँ रस्म के लिए। जी आयशा बैठो, इधर बैठो, आओ। बासित बेटा तुम भी बैठो। मैं ना कुछ बोली, सिया जाने ना, मैं ना मुँह खोली, मैं ना कुछ बोली, सिया जाने। मुबारक आपको भी, बहुत मुबारक आपको भी, बहुत बहुत मुबारक। कर्ली इंक्वायरी होगी, तसल्ली आपको। सब माएं ऐसी होती हैं। जैसे आपके जाने से मुझे कोई फर्क पड़ जाना है। मेरे सच को यकीन में तो बदल गया तुम, ऐसे कैसे मान जाती है? तुम्हें जानती जो तो उठाए फोन, मिलाए मंसूर अंकल को और बता दें उन्हें, और अब कर भी कह सकती हैं। अब इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम अपने झूठ को सच में बदलने जा रहे हो। मैं तो इस बात पर ही बहुत खुश हूँ कि तुमने लड़की पसंद तो की, कहते हैं मुश्किलें अपना हल साथ लेकर आती हैं, बस अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। मेरी तो अपने रब से यही दुआ है कि ये सारी खुशियां तुम्हें नसीब हो। कंगन उतार दिया तुमने, चलो अच्छा किया, संभाल दिए। औरत की किस्मत का इन्हिसार उसकी खूबसूरती या फिर उसकी तालीम पर नहीं होता, बल्कि उसकी ज़िंदगी में आने वाले मर्द पर होता है। और वासे तुम्हारे लिए बेहतरीन है, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। ये लो भाई, मैंने मिठाई भी मंगवा ली, और अगर ऐसे मौके पर मुंह मीठा ना किया जाए तो ये बदशुगनी मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होगी। वैसे भी हमारी दिली मुराद पूरी हुई है। ऐसी बातों की मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। देखो अब ऐसा वैसा कुछ मत बोलना, जो हो रहा है ना अच्छे के लिए हो रहा है। और तुम अपनी बहन की खुशियों में हाय हाय मत डाल देना। अल्लाह ने हमारे हाल पर रहम किया है। बस मैं बता रही हूं, अगर उन्होंने रुख्सती मांगी तो मैं तो फौरन हां कर दूंगी। उसिया ये क्या कह रही हो, कैसे करोगी ये सब? पता तो है कि शादी ब्याह की रस्मों में हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं। अरे हमारे हालात उनसे ढके छुपे तो है नहीं, जितनी हमारी इस्तेआत होगी ना उसके मुताबिक कर देंगे बस। फिलहाल कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है? मतलब ये कि मेरी शादी नहीं करनी। नहीं करनी ना तुमने शादी तो मत करो, लेकिन माँ का स्वयं तो कर सकती हो ना तुम। अरे भाभी खाना खाओ। क्यों खाना? ये तुम उसको जानती हुई, उसको मिली भी नहीं हुई, हर वक्त ड्रामा। मैं देखती हूँ। भाभी क्या कर रही हो? छोड़ दो मुझे। क्या कर रही है यार, खाना भी नहीं खा सकता बंदा इस घर में। अपनी माँ को दुश्मन समझती हो? मम्मी क्या कर रही है? ये जिद है, औलाद का भला जानना जिद है।
तुम्हारी उस बड़े घर में शादी हो जाएगी तो ये दो जवान जान जो मेरे सर पर बैठी है इनके लिए भी रास्ते खुलेंगे। अम्मी शादी ऐसे नहीं होती, ये किस्मत की बात है। हाँ तो ये किस्मत ही तो है जो इतने अमीर और शरीफ घर से रिश्ता आया तुम्हारे लिए इस घर में। लेकिन अपनी माँ की बात तो तुमने माननी नहीं, माँ ही खटकती है ना तुम लोगों को। हाँ मैं खुद को खत्म कर लूंगी। जोया तुम्हारी भी माँ है वो। मिट्टी का तेल हमारे घर में आता नहीं है और कुकिंग ऑयल से आग लगती नहीं है। तुम जानती नहीं हो अपनी अम्मी को? अरे हाँ वो तो कुकिंग ऑयल था। जो भी हुआ वजह जो भी हो खुश हूं तुम्हारे लिए। मानो मैंने ऐसा नहीं, मैं सोच भी मजाहतें उन्हें दी जाती हैं जो अनजान होते हैं। मैं तो हकीकत जानती हूँ ना। मानो मैंने अपने बारे में नहीं सोचा, मैं तो बहुत कुछ करना चाहती हूँ तुम सब के लिए, इस घर के लिए। तुम जो कहना चाहती हो ना मुझे अच्छी तरह से पता है। आयशा आयशा शादी करना कोई गुनाह नहीं है। तो किसी ऐसे ही हम सफर के लायक हो जो तुम्हें जिंदगी की सारी आसाइशें दे, तुम्हें सारी जिंदगी की मोहब्बत चाहते दे। मानो वो मुझे पसंद नहीं करता, वो मेरी मजबूरी खरीदना चाहता है। तुम नहीं समझ रहे हो, कोई नहीं समझ रहा है। मेरी समझ में आ गया कि लोग बेटा पैदा होने की दुआएं क्यों करते हैं। लेकिन आयशा तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया है, इज्जत के साथ तुम्हें अपनाना चाहता है। जिस तरह के हमारे घर के हालात है ना, मुश्किल ही कोई आगे बढ़कर हमारा हाथ थामेगा, वो भी पासे जैसा मजबूत मुस्तहकम आदमी। और फिर अम्मा वो मान गई है, इस बारे में सोचो एक दफा। देखो जिंदगी में हर किसी को बार बार मौका नहीं मिलता, और तुम पर तो किस्मत मेहरबान हुई है आयशा। बानो आयशा मुझे तो लगता है मैं तुम लोगों की बहन ही नहीं हूँ। हाँ तो तुम्हें बताया तो है कि अब्बा कचरे के ढेर से उठाकर लाए थे तुम्हें, है ना? अरे गंदी इसको हटाओ यहाँ से। ये वाला भी कर एक मिनट कर ठीक है। आशा मुझे आपसे बात करनी है। बात तो मुझे भी आपसे करनी है सर। क्या नहीं आपने जो बात करनी है आप यहाँ कर सकते हैं। आप मेरे साथ बाहर चलेंगे सर? कहाँ? मैं ना मुंह खोली, मैं ना कुछ बोली।